मीठी ईद के नाम से मशहूर ईद उल फितर का त्यौहार आज पूरे देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों ने 30 दिन के रोजे रखे थे, उसके बाद ईद उल फितर का पाक दिन आया है। बता दें कि आज हल्की बूंदाबांदी के बीच ईद की नमाज अदा की गई। बूंदाबांदी के बीच नमाज ईदगाहों ने की बजाय मस्जिद में पढ़ी गई। मगर बूंदाबांदी के बाद ईद उल फितर की नमाज पढ़ने वाले लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ। ससुराली, खिजराबाद, लेदी, कोटबा, बुढ़िया के क्षेत्र में ईद की नमाज शांतिपूर्वक ढंग से पढ़ी गई। शांति वस्त में बनाए रखने के लिए पुलिस के PCR गश्त करती रही। मस्जिदों के बाहर दुकानें सजी थी, जहां से बच्चों ने जमकर खरीदारी भी की। आज ईद उल फितर का दिन है और 30 रोजे रखने के बाद आज का दिन आता है और आदमी गुनाह करता है तो रमजान में अपने इबादत के जरिए अल्लाह से माफ़ी मांग लेता है। और आज का ये दिन हम सब के लिए साल में एक बार एक बड़ा त्यौहार है मुसलमानों के लिए। और पूर्वी डिप्टी स्पीकर हरियाणा अकरम खान ने भी अपने पृथक क्षेत्र खिजराबाद में ईद की नमाज पढ़ी। उन्होंने प्रदेश के लोगों को ईद की मुबारक भी दी और भाईचारा बनाए रखने की अपील भी की। ईद के मौके पे मैं अपनी तरफ से, अपने सभी इलाका वासियों की तरफ से, सभी देश और प्रदेश वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मुबारकबाद के साथ साथ यही संदेश है कि सब इस त्यौहार को मिलजुल कर मनाएं, आपसी भाईचारे से मनाएं, एक दूसरे के साथ खुशियाँ बांटें। यमुनानगर से रविंद्र चौहान, जीवे पंजाब TV।